जी हमारे साथ करौली के जो पुजारी हैं उनके दामाद नरसी बाबूलाल वैष्णव के दामाद नरसी मौजूद हैं। नरसी जी पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है साहब, ये तो खेतों में बसे हुए हैं, पहाड़ी हमारी है ये, और इस मंदिर के नाम है पहले से ही, आज से नहीं बहुत पहले से ही, मतलब हजारों साल पहले ही, मतलब कहें कि पहाड़ी मंदिर के नाम है, पटवारी जी से मतलब उसको देख के खसरा को मतलब देख सकते हो आप, अगर हमारी कोई गलती हो तो। उसमें मतलब क्या कि एक मैना का जबरदस्ती मतलब क्या कि बसावट कर रहा है, तो ये पहाड़ी जो है ये सपोटरा के बुकना गांव में है, ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ। और यहाँ पर कुछ दूसरे लोग कब्जा करना चाहते थे। हाँ। यहाँ ये मंदिर किसका बना हुआ है? राधा गोपाल जी का मंदिर है साहब। ये राधा गोपाल जी का मंदिर है और इसमें कौन लोग कब्जा करना चाहते थे? मैना ही कब्जा करना चाहते थे साहब। कौन? एक मैना है, मैना जो जिसने मतलब ये कांड किया ना जी, वो कैलाश नाम नाम का है जी, कैलाश मीणा जो इसमें मुख्य आरोपी है, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। हाँ, गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, पता नहीं गिरफ्तार किया गया नहीं किया, हमने अभी आंखों से नहीं देखा जी। तो अभी आपकी सरकार और प्रशासन से क्या मांग है? मांग क्या है, उनको सबको मतलब क्या अरेस्ट किया जाए, कड़ी से कड़ी मतलब क्या सजा दी जाए उनको। बाबूलाल के परिवार, बाबूलाल वैष्णव के परिवार में कौन कौन है? बाबूलाल के परिवार में बच्ची भी है, एक बच्चा है और कोई नहीं है, और भाई है। यानी उनके सिर पर दो बच्चों की जिम्मेदारियां हैं अभी थी। हाँ, अभी इन दोनों की शादी होना बाकी है। एक एक की एक हमारी है, शादी तो हो गई पर लेकिन घरवाली पहले से ही 3 रोज रुकी थी, फिर भाग गई थी वो। किसकी? बच्चे की, बेटे की। हाँ, तो यानी बेटा भी अभी अकेला है। हाँ, और वो क्या कमाता है, उसका काम धंधा है कोई? उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, केवल जो अपन के ये बकरी है वो चराता है और फिर मतलब वो पालन कर लेता है। मंदिर से कोई आय भी है, कोई कमाई का साधन भी है मंदिर से? नहीं, कोई साधन नहीं है साहब, चून मांग के खाते हैं। चून मांग के खाते हैं, यानी आटा मांग के खाते हैं। हाँ। और ये मंदिर की सेवा करते थे बाबूलाल वैष्णव जी साहब। आपको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी कहा है कि कांग्रेस सरकार सो रही है, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ। सरकार की तरफ से किसी ने आपसे संपर्क किया? संपर्क किया, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कौन, किसका फोन आया था? अशोक गहलोत? किसी का फोन नहीं आया, केवल मतलब प्रशासन का फोन आया था बस। क्या जिलाधिकारी का फोन आया? नहीं आया। अभी तक आपको कोई मुआवजा या कोई सहायता के लिए? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ जवाब नहीं आया। और ना ही अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जानकारी दी गई आपको? पुलिस तो अब इस टाइम ये बोल रही है कि मतलब क्या कि खुद ने ही आग लगा के आत्महत्या की, अभी अभी की खबर है ये। पुलिस अब ये कह रही है कि खुद बाबूलाल वैष्णव ने आत्महत्या कर ली जी, अभी अभी की खबर है साहब। तो पुलिस किस आधार पर कह रही है ये बात? ये पुलिस इस आधार पर कह रही है कि वो रिश्वत खा चुकी है। पुलिस रिश्वत खा चुकी है, ऐसा आपका आरोप है? बिल्कुल ऐसा शक है हमारा। क्यों कह रही है वो ऐसे जी? आपको पता है ये पूरे देश भर में ये मुद्दा उछल गया है कि एक पुजारी की हत्या कर दी गई इस तरह से पेट्रोल डाल करके। हम तो प्रशासन से ये चाहते हैं कि मतलब इस बात को मतलब कैसे निकाली मुंह से। जी भाई, जो बात है मतलब ऐसी जो क्यों निकाली अस्पताल ले जा रहे हैं, पहले किन अस्पताल ले जा रहे हैं। ठीक बात, अभी अभी क्या करेंगे, ले जाके मर जाएंगे और क्या करेंगे अस्पताल ले जाके। पहले हमारा मर गया पिताजी पापा जी, हम उनके दामाद है,
हम भी मर जाएंगे और क्या करेंगे। किसे अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं अभी? अस्पताल जाके हमारा कौन कौन रक्षा करेगा हमारी? यही मतलब हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे नरसी जो कि बाबूलाल वैष्णव के दामाद हैं और उनका आरोप है कि पुलिस जो है अब रिश्वत खा चुकी है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है और उल्टा इस मामले को आत्महत्या का मामला बताने में जुटी हुई है।